वेलकम प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बायोलॉजी का फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था उसमें किस तरह से हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो काम करते हैं, तो उसके अलावा जो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो ये टर्म है, इसका क्या रोल रहेगा, क्या मतलब है इस टर्म का। तो नॉर्मली हम क्या सोच रहे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका मतलब होगा कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शनिंग। लेकिन वास्तव में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो रियल में जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका जो एरिया है वो काफ़ी वाइड है। इसका मतलब क्या है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसका रिप्रोडक्शन की हर एस्पेक्ट में एक बिल्कुल वेल बीइंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो रिप्रोडक्शन के हर नज़रिए से वो बिल्कुल अच्छा और मेंटेन्ड होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू WHO एनी पर्सन एज 20 in all aspects of reproduction। कहने का मतलब किसी भी जो पर्सन है, कोई भी इंसान है, उसको रिप्रोडक्शन के मामले में हर तरह से अच्छा होना चाहिए। हर तरह से कैसे कैसे, मेंटली, फिजिकली और सोशली। और इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी उनका बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। तो इस तरह से वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, और सोसाइटी में भी ऐसी धारणाएं ना हो कि रिप्रोडक्शन करते ही रहना है, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी बड़े लेवल पे सबसे पहले जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक अभियान चलाया काफ़ी लार्ज स्केल पे, जिसको नाम दिया गया था फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग क्यों शुरू किया गया, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको मेंटेन करके रखने के लिए बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आती है। तो प्रॉब्लम से यदि हमें बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमने देखा कि किसी भी पर्सन का रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट्स में बिल्कुल हेल्दी होना, चाहे वो सोशल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो या रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो। तो जो प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या आ रही है, हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह क्या है कि हमारे देश में जो रिप्रोडक्टिव एज के पीपल्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, जो मोर्टलिटी रेट है वो बहुत कम है,
मोर्टेलिटी रेट क्या है, लेस है, और बर्थ रेट है ये हाई है। जो रिप्रोडक्टिव एज के पीपल है वो क्या है, वो भी ज्यादा नंबर में है। तो इसके कारण से हमारी जो पॉपुलेशन है हमारे देश की वो बढ़ रही है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे जो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अब एक तो प्रॉब्लम होगी पॉपुलेशन की, उसके बाद जो हमारे यहाँ बहुत सारे जो हमारा कल्चर है वो इस तरह का है कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे इतने लोग एजुकेटेड नहीं हैं, जिनके पास जो नॉलेज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में वो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो अपना प्लान नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1951 एक लार्ज स्केल पे वर्ल्ड वाइड एक मूवमेंट चलाती है, एक मुहिम चलाती है जिसको उन्होंने नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग। आपने भी इसके बारे में सुना हुआ, आजकल तो बहुत सारे जो हमारा ऑडियो विजुअल मीडिया है या फिर प्रिंटिंग मीडिया है, अखबार वगैरह है, पहले टाइम में जो रेडियो होते थे उनमें इसकी बड़ी एड चलती थी, बहुत सारी जगह पे हमें पोस्टर देखने को मिलते हैं, गाड़ियों पे जब हम देखते हैं तो हमें लिखा हुआ मिलता है वी टू अवर टू, यानी कि हम दो हमारे दो। तो ये जो स्लोगन था ये फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत ही आता था, जिसका मेन मोटिव क्या था, लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो अपना जो बर्थ रेट है, बेबी के बर्थ रेट है, उसको कंट्रोल कर सके, अपनी फैमिली प्लान कर सके। और जो इसका विजन था इस फैमिली प्लानिंग का वो क्या था, ताकि हमारे देश में बहुत सारे स्मॉल फैमिलीज हो जाए, छोटे छोटे परिवार हो जाए। जैसे पहले हमने देखा है कि एक एक परिवार में 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, तो इसका जो मोटिव क्या था कि एक फैमिली में एक या दो बच्चा ही रहे, हमारे बिल्कुल छोटे छोटे परिवार हो जाए, जिसकी वजह से जो लार्ज फैमिली होती थी उनके लिए बहुत सारी समस्या क्रिएट हो जाती थी, बहुत सी प्रॉब्लम बन जाती थी। प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी, यदि पॉपुलेशन बढ़ेगी एक फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा मेंबर होंगे तो वहाँ पर सबसे पहले फूड की प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद शेल्टर की आएगी और क्लोथ की आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट होगा। बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की थी। फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई गई, टाइम टाइम पे उसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई, लोगों को जो टीचर्स हैं उनके द्वारा गांव में एजुकेट करवाया गया और बहुत सारे जो ऐड है वो डेली हमारा जो मीडिया है वहां पे चलाई जाती थी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई और बहुत सारी जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करवाई, जैसे फैमिली प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे जो कंट्रासेप्टिव है वो गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है, यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, जिसके अंदर कॉन्डोम्स आ गया या फिर ओरल पिल्स आ गई। ओरल पिल्स में जो हम टेबलेट मुंह से खाते हैं,
तो ये चीज़ें क्या करती है, बैरियर क्रिएट कर देती है और प्रेगनेंसी नहीं होने देती। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो ओरल पिल है, ये हमारे देश का जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है CDRI जो भी लखनऊ में है, लखनऊ में है वहां पे ये सिचुएटेड है, इसने सबसे पहले एक ओरल पिल बनाई जिसका नाम था सहेली। इसके जो साइड इफेक्ट थे वो ज़्यादा नहीं थे और वीक में एक बार लेनी थी तो इजीली एडॉप्ट कर ली गई थी लोगों के द्वारा। तो इस तरह से बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई गई। और भी जो लोग क्या करते थे, पहले जो चाइल्ड अब्यूज है या फिर जो एबॉर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, वो क्या करते थे जो चाइल्ड है उसके सेक्स का पता लगा लेते थे, टेस्ट होता है उसके लिए जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, जो कि एक सेक्स डिटरमाइनिंग टेस्ट है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस टेस्ट को बैन कर दिया। अब बिल्कुल इलीगल है बर्थ से पहले चाइल्ड के जो सेक्स है उसका पता लगाना, बिल्कुल इलीगल है। तो ये सारे कदम है जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए। और भी बहुत सारी बिल हैं, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हमने सहेली का जिक्र किया, नॉर्मल तो लोग इसको यूज कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैसे कई बार जो इमरजेंसी कंट्रासेप्शन का हम काम करते हैं, उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टैबलेट आती है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन प्लस प्लस प्रोजेस्ट्रोजन, दोनों ही फीमेल ओवरी के अंदर से निकलने वाले हार्मोन है, इनके कॉम्बिनेशन से एक टैबलेट बनाई जाती है जिसको N72 भी बोलते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, जिसको हम जब कंट्रासेप्टिव पढ़ेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको भी हम इमरजेंसी जो कंट्रासेप्टिव है उसके रूप में यूज कर सकते हैं। इसका जो मोस्टली जो इफेक्ट रहेगा वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स तक ये काम करती है। तो इसका यूज मोस्टली जो रेप केसेस होते हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के रूप में। तो ये बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। जो कॉन्डोम्स है वो इजीली फ्री में गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। फिर भी गवर्नमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे देश में जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो रूरल है, वहाँ पे एजुकेशन की कमी है। तो उनको एजुकेट करने के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। स्कूलों में भी जो सेक्सुअल एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि अपनी फैमिली प्लानिंग करें। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आती है। तो आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर में, वो करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल। मोस्टली इन चीज़ों के बारे में भी हमने डिस्कस कर ही लिया है। जो बर्थ कंट्रोल है वो हम किस तरह से कर सकते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो हमने क्या हुआ कि जो हम जो इंडिपेंडेंट टाइम था हमारा इन 1947,
उस टाइम जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी, लेकिन इसके बाद बिल्कुल तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी और आज के टाइम में जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1.35 करोड़, इतनी जो हमारी पॉपुलेशन है तो एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या हो सकते हैं, एक तो कि हमारे देश में जो रिप्रोडक्टिव एज के पीपल हैं यानी कि जो यंग एज के पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव एज के जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो कम है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो भी कम है, जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये बहुत ज़्यादा है ऊपर। और इसके अलावा जो हमारी ये मेडिकल फैसिलिटी थी वो पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है, जैसे पहले डिलीवरी के टाइम में बहुत सारी फीमेल है वो एक्सपायर हो जाती थी, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रेजेंट हैं प्रेगनेंसी से लेकर के हमारा जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है उस दौरान और यहाँ तक कि पार्चुरेशन के टाइम ऑफ पार्चुरेशन और उसके बाद आफ्टर डिलीवरी या फिर आफ्टर पार्चुरेशन जो मेडिकल फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से जो लोगों का लिविंग स्टेटस है वो इंक्रीज हुआ है और डेथ रेट है वो कम हुई है, तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम सबको एक अभियान चलाना चाहिए, बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। पहले जो स्लोगन दिया गया था V2 Our 2, तो उसको भी अब चेंज करने पे विचार चल रहा है V2 Our 1, ठीक है V2 Our 1 जल्दी ही ये होने वाला है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रेटजी, यानी कि जो हमारा बर्थ कंट्रोल है अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि जो पॉपुलेशन है वो इतनी किस तरह से बढ़ी है, तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो उसके लिए जो प्रोसीजर रहेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बर्थ कंट्रोल को लेके कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन कौन से प्रोसीजर रहेंगे, किन किन चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।